एक रागिनी की कई भाइयों ने फरमाइश करी थी, इसलिए वो रागिनी सुना देता हूं। ना तो अब रंग काट होना था, मैंने कही थी उसे सुरेंद्र से भैया बात और कह लो। वो देखिए बात जैसे लक्ष्मी चंद मेहर सिंह बाजे भगत ये थे ते सॉरी कवि जो गंगा जी से लेकर लाहौर तक रागनियां गाई जाती, और कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं सांगी बजनी बहुत बढ़िया पर वह एरिया वाइज थे। ऐसा ये कवि हिसार जिले में आज की तारीख में वो फतेहाबाद जिले में गांव पड़ता है जांडली, एक मुंशी राम छोटा सा बालक अंग्रेजों का राज था और उसमें पहले जमींदारा का पानीपात परोड़ा हो जागरता लठ बाज जागरता, लेकिन मानस मान खातर लठ नहीं बाज जागरता, किसी फिरते जीवे को मर गया तो बेशक आजकल की तरह नहीं पाछे तो चक्कू मार दिया गोली मार दिया ऐसे लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उसमें मौत हो जाती है। अंग्रेजों के राज में दो चीज थी जो अंग्रेज साथ ले गए, न्याय और भाव। जो हमारे देश में हमारे नेता ना तो ल्या सकते न्याय, ना न्याय कर सकते, ना भाव काट सकते, अंग्रेजों के राज में दोनों चीज थी। उसका प्रमाण दे देता हूं मैं आपको। मेरा दादा एक रागनी भी सुनी होगी सूरज सिंह कलावड़ के अधिकृति गाने में, सगा दादा तो नहीं है, आज वो 96 साल का है, 95 का कोई लिखित में तो है नहीं अंदाजा। 1944 में अंग्रेजा ने तनख्वाह बधाई थी 4.5 रुपये से एक सैनिक के 8.5 रुपये कर दिए थे, और अब 8 रुपये तनख्वाह होगी रहे। उस समय वो सूरज सिंह भर्ती हुआ था और वो महीने भी दिन पाछे कोई हड्डी क्रैक हो गया, वो बोर्ड से निकाल दिया। बात कहां टिकी, उसकी पिलशन पर। बोर्ड में दो काले एक गोरा, मतलब दो हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज, वह दोनों वायसराय के सामने नाट के साहब इसकी कोई पिलशन नहीं हो सकती, ना को कानून ना ला की किताब में, ना इसने रंग रोटी करी, 3 महीने की रंग रोटी भी नहीं कर रहा, इसकी पिलशन नहीं हो सकती, ये ला की किताब है। और जो अंग्रेज था उसने लिख दिया इस जवान की पेंशन हो सके। मामला लाट साहब के पहुंचा, देखे अफसरी भी है, अरे 3 अफसर हुए हैं हिंदुस्तान में 2 मुगलों के टाइम में, टीरी खां और फन्ने खां, आज भी नाम है उनका। और अंग्रेजों के राज में अफसर था लाट साहब, जब दिल्ली से चलता था दरवाजे बंद हो जाते थे, ये आगरते अफसर रीव अफसर हो गए बेबे के से। लाट साहब के सामने गई बात तो उनसे पूछा, भाई बताओ हिंदुस्तानियों दिखा दियो किताब खोल के, साहब कोई कानून नहीं। उस अंग्रेज से पूछा कि भाई तन्ने कैसे लिख दिया इसकी पेंशन हो सकती है, बोला हो सकती सर, बोला क्यों कारण बताओ, बोला जी जो इन्हें भर्ती करके लाया था उस डॉक्टर से उस मेडिकल रिपोर्ट से ये पूछो, जब इस जवान को इसके घर से लाए थे जबकि हड्डी टूटी हुई थी, वह नाट के बोले ना जब तो ठीक थी, बोला ना फिर थारा आगे टूटी है, तुम इसके जिम्मेवार, तुम दोगे इसको। आज 74-75 साल हो गए उस आदमी को पिलशन लेते हुए, ऐसे न्यायप्रिय थे वो। और भाई देश ने तो लूट के मारे वाले नेता ले जाए हैं और अंग्रेज भी ले जाते, देश तो हमारा लुटना है लुटना है, लेकिन न्याय और भा अंग्रेजों जैसा नहीं हो सकता। उसके फांसी के हुक्म हो गए, उनमें भी एक
हिंदू था, दो अंग्रेज थे जज, और हिंदू का नाम था जुगल किशोर आजाद, जो 45 में एसडीएम भी रहे गुड़गांव। उसने कहा कि भाई तेरे फांसी का हुक्म है लड़के, जो तुमने खाना पीना हो, किसी से मिलना हो, ऐसा तो नहीं है तन तुनु का देख, तुम्हें छोड़ दो तो काम होगा नहीं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर दी जाएगी। हाथ जोड़ के लड़का ने बोला साहब एक इच्छा है। क्या? अगर मेरी एक रागनी सुन लो। बोला रागनी? क्या तू कवि है, गायक है? बोला हाँ साहब, छोटी मोटी जोड़ लू हूं। अरे बोला कवि तो बड़े दयालु होते हैं, सहृदय होते हैं, और तुमने छल कपट और बेईमान ना करके यो कत्ल कर दिया, कहां का कवि है तुम? नोला साहब इस रागनी में याए बात तो सुनाना चाहूं मैं, अगर इस धरती पे कोई इस आदमी बता दो जिसने छल कपट बेईमाना ना करे हो, जब से सृष्टि रची है जब तक आज तक, जाने अनजाने में जरूर सब ने किया। लड़के को इजाजत मिल जाती है, और वो क्या रागनी थी कि महाराज कोई छल पहला कर गया, कोई करण राग रहा, क्या रागनी थी, क्या कहा? लड़के ने पहला उदाहरण दिया रामायण से। यहां ज्ञानी ध्यानी भी आदमी बैठे होंगे, इस ज्योतिष विद्या को बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे, और उसने अपनी ज्योतिष के अनुसार समय रख दिया, इस घड़ी में, इस लग्न में, इस मुहूर्त में इतने बजे श्री राम के राज तिलक होगा, और ठीक उसी घड़ी में, उस लग्न में, उस मुहूर्त में, उसी ठीक टाइम पे 14 साल का वनवास होया। छल किसने किया? उसकी मौसी केकई ने। उसके बाद रावण के मामा मारीच ने मृग बन के छल किया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई। आज भी सृष्टि पर रावण जितना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं है, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। मैं गाऊ तो रागनी बढ़िया बढ़िया, भीतर भी मन ना हो उसका फल नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। दादा की लाइन है सुनिए, पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण ज्ञानी था सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी लाया सिया को हटकर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? जली लंका और मिली सिया ना, जिसने पढ़कर अमल किया ना। वह मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना चाहिए, अमल को ना करा, बच गया कौन? श्री राम।
बोला जी बेशक भगवान कहते हैं श्री राम ने भी छल किया, कब किया और किसके साथ किया मैं बताता हूं क्या कहा। जब राजा दशरथ श्री राम के शरप ताल धरण लाग्या के कई नहीं सा छल कर्या वो जंगल बीच फेरण लाग्या बन के मारिच मेरे कपट जब राम कुटी पर करण लाग्या जड़गी खुद करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बाली ने घायल कर गया। म्यूजिक कंपनी पवन सांदरवास से हमारे छोटे भाई 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। श्री राम जांगड़ा साहब रामबास से 100 रुपये जांगड़ा साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोला साहब जिस दिन पांडु पैदा हुए जब तक मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार 6 साल चला 1939 से लेकर 1945 तक। इतने आदमी जब भी नहीं मरे जो 18 दिन में महाभारत की लड़ाई में कट के मर गए, खून के नदी के नाले बह के चाल पड़े, सारा हिंदुस्तान न्यू वाला। बोले महाराज उसमें छल के सिवाय कुछ नहीं था, क्या कहा लड़के ने बोला। ओ ये धर्म दखे दरियो धन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खेला। राजपाठ धन मार खदना मट्टी के मदिया नला फिर कैरवान पांडवों को जसोटा विदिया चला। फिर ऐसे तीर चले भैयों ने हिंद का नक्शा दिया है ला। ऐसे तीर चले वो चक्कर व्यू भी छलका था, वो चक्कर व्यू भी छलका था। अभी मनु हल चल कर गया थारा दिल्ला गोरी अंधेरा रे थारा चोरी दल मर गया। ऐसा कोई दुनिया बड़ी बड़ी।
और तीसरी कली में ये कहते हैं कि बेटा बेटी को पात्र हो जाए, माँ बाप नहीं हो, और माँ तो बिल्कुल नहीं। भाई ने पाछे ने प्या दे कह दर्द पाछे ने प्या दे थोड़ा ये रागनी पाछे प्या ली ताहा बिगड़ गया है। और इनको ज्ञान नहीं होता, मैं तो कोई बीड़ी भी ला रहा हो जब भी मैं हाँ कितने कितने तेरे गाने में कमी है सारे ध्यान रखो मैं थारा भी नहीं गा भी एक एक कक्की तो बोल रही हर कौन सा के काम कर रहा बड़े हिसाब से जब कविता फिट बैठती है और ना तो वह एक आधा हाली सारी उम्र हल जोड़ जाएगा पर रूदा कूड़ ना आओ उसने ने बोला महाराज माने तो वो काम कर दिया कोई नहीं कर सकता क्या। जब कृष्ण जी को ये पता चला महाभारत के युद्ध में कल कैरवों का सेनापति कर्ण होगा, रात ने कुंती के पास गया। रात ने युद्ध बंद हो जाता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी, छल नहीं होता। ने बोला बुआ काल तेरा बेटा अर्जुन सो का सो मारा जाएगा, इस सृष्टि पे कोई बचाने वाला नहीं, एक तू बचा सकती। कुंती के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आप ही नहीं निभरा मैं नहीं कोई भी, मैं एक नुक्ता बता दूंगा जो मैं कह जागा तू बचा सकती है और कोई राज्य नहीं। न बोली हाथ जोड़ के तावड़ा बता दे। कृष्ण जी ने कहा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है दानवीर कर्ण दान देता है और सूर्य निकले जो पल लिए किरण पर चली जाइए हाथ कर जोड़ कर जोड़ी करके अर्जुन की जान मांग लिए नाट्य नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये सच्चाई थी क्योंकि कृष्ण जी तो तीन जन्म के ज्ञाता थे। माँ का कर्जा था रात ने बाज ली, रात ने रे बेटा कर रे बेटा कर कौन अत्री माँ कौन सी माँ रे बोला जिसने पेट फाड़ के दात। कर्ण बोला वा तो नाटकी थी, अग मेरा बेटा कौन है, कौन सी सटेज थी कौन सी जगह थी जो कुंती ने मना कर दिया था। जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा उसमें शरत थी, कढ़ाई में मछली की छाया देख के उसकी आंख में तीर मारना, किसी छत्री जाम से ये कार्य होया नहीं। राजा द्रौपद चलाता है नुबलरा क्या छत्री कौम खत्म होगी, अरे कोई सा आदमी नहीं जो मेरी बेटी को जो सोमवर की शरत पूरी कर दे। उस सोमवर में पांचों पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है राजा द्रौपदी ने देखा भाई हम छत्री और यो एक ब्राह्मण यो तो उससे ही बड़ा नाश हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तो कतिए चली गई। उस समय ऐसा नहीं था कोई किसे की न खखा ले जाए और भाई पुलिस पर आ देगी। राजा द्रौपदी चिल्लाता है नुबल रे क्या छत्री कौम खत्म होगी जो मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ले जाएगा। सब क्यों चकित रह गया कोई इलाज नहीं होया। जब उस भरी पंचायत में उन भारतीयों ने फैसला किया कि मान्यवर ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए इसको इजाजत दी जाए। और अर्जुन जब चल लिया धनुष उठा के कर्ण आ जाता है बाजू पकड़ ली बोला डटरे पंडित जी इस काम को मैं करूंगा तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण जी को यह पता था काटे का रोग ने ना तो बीज बोन लाग रहा, उसको ये कह दिया तू सूद पुत्र है गैलड़ है तेरे माँ बाप का भी नहीं पता, तुझे इजाजत नहीं मिलेगी, पता नहीं कौन है तू कहाँ का है। कर्ण ने बोला गैलड़ क्यों करूं सूद पुत्र कैसे कह दिया मेरी माँ तो ये बैठी फिर उड़ गया पेट। फिर उस भरी पंचायत में फैसला होया
के भाई से कुंती अनु कह जो मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। लेकिन कुंती से जो पूछा गया तो उसकी नाड़ मुड़ी को लिया नाटगी नोला। उस दिन नाटगी थी आज बेटे वाली होगी। तू बोल क्या करने आई, क्या मांगने आई है? और बात भी सस्ती दादा ने बोल भी कर रखा रे। उस पंड राजा के छह पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैर वो में रहन ला गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने सोचा सोमवार उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहन तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। जब उसको इजाजत मिल जाती उसने ले जाता है, क्या नगे हला बात दे। बोला उस दिन नाटकी थी आज बेटे वाली होगी, बोल क्या मांगने आई। नोली तड़के सूर्य निकला आज मांगूंगी वतन भर ले। नोला भर रहा खेत्र नाम के वतन, बोल क्या मांगती। नोली रे बेटे काल अर्जुन की जान मत मारिए, जान से मत मारिए उसको। नोला भाई चाहे मैं मरू चाहे अर्जुन मरो, तेरे ने पांच के पांच रह जाएंगे, तेरा तो नहीं घटता। लेकिन देखी मां ने कौड बड़ा छल किया, धोखे से जान मांग ली। और उस कर्ण ने उस वीर ने क्या किया, जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर थे वो तर्कस भगा दिया। नबला जा चाहे मैं धरती उछल दुकाल पर तेरे अर्जुन के पांच आंगले नहीं लाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इंद्र महाराज ने सोची भाई सूर्य देव ने इसको कवच और कुंडल जो दे रखे वो इससे पर गए। सुबह सूर्य निकला जो भिखारी बनके उनको मांग ले जाता है। इसके बाद भी जब युद्ध हुआ कृष्ण जी ने सोची कदे ये तीर धरे के धरे रह जा अर्जुन की गुद्दी पकड़ के धरती में गोदे। वहां दल दल बना के उसका रथ फसवाता है। और जब वो कर्ण उसको रथ को निकालता है तो अर्जुन को उत्तेजित करता है, अर्जुन मौका है अब इस पर तीर मार तू। कर्ण का भाई क्षत्रिय का धर्म नियम नहीं, वो काट लेने देख वे। और अर्जुन ने भी कहा कि महाराज मैं नहीं अथे पे वार नहीं करूंगा, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कृष्ण जी दा श्याणा ने बोलिया यो अर्थ काट दिया ना इसने, अरे पांच भैया ही कांच काट दिया के देख चक्कर में हो तुम, एक तीर मार दे। महाराज भगवान भी छल करते हैं तो मेरी क्या औकात है, क्या कहा लड़के ने। ओए कुंती दे राजेश सरपंच साहब 500 रुपये इनाम के देते हैं। प्रधान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये राम अवतार शर्मा जी फरीदाबाद से हमारे अजीत 100 रुपये और इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। हेलो 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 देवलोक में जिक्र चलता है राजा हरिश्चंद्र का। देवलोक में जिक्र चलता है
कि महाराज राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी तो इस सतलोक में भी कोई नहीं। विश्वामित्र कहने लगे कि रहने दो ना महाराज, थोड़े ही दिन पहले एक ब्राह्मण के छोरे का सिर तारा था, मैं उसकी परीक्षा लूंगा, जब देखूंगा वो वास्तव में सत्यवादी है या नहीं। उसने परीक्षा ली, रानी कीते लड़का कीते, लड़के के सांप लड़ जाता है रानी शमशान घाट में नंगी, रोहतास कौर की चिता के ठोकर मार दी, आप कालिया भंगी का 27-28 दिन पानी भरया, लेकिन अपना सत्य नहीं तोड़िया। वो एक चूक हुई तो थी उससे, लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था। परीक्षा ली वो खरिया पाया, और ये कली सुन के वो जज उस लड़के को बरी कर देते हैं। लेकिन एक 1.5 साल पाछे उसका लड़के का स्वर्गवास हो गया था, पाली रहा करता। क्या कहा, हरिचंद भी छल कर गया विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण चिल्लू के पेट भरने की आस नहीं। फिर देखे फिर ऋषि भर के दस्या कवर रोहतास नहीं, कफर तलक भी नहीं मिला की बेटे गिलास नहीं, कफर तलक कभी नहीं मिला की बेटे गिलास नहीं। वो 28 दिन तक भूखा रे गए, 28 दिन तक भूखा रे गए, बंगी के घर जल भर गया, मुंशी दा धर्म कारण सते अट्टा नौ चवल कर गया। भाई कई भाइयों ने इस रागिनी की फरमाइश करी थी, इसलिए बात ड्यूटी वाले से विजय प्रधान जी 100 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ये राम कुमार जी डूडी वाला से श्रीमान जी 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद।